नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी के बरगवा स्थित डन कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वाणी में डूबे श्रद्धालु। भागवत कथा का आयोजन अमित शुक्ला जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के तत्वाधान में किया गया। व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक परम पूज्य राजगुरु श्री श्री 1008 बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज आश्रम चित्रकूट धाम के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वाणी का पंडाल में बैठी जनता ने श्रवण किया। भागवत कथा आयोजक अमित शुक्ला ने बताया कि गुरुवार को महाराष्ट्र गोवर्धन पूजन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दद्दा धाम वृद्धाश्रम एवं स्वर्गीय बच्चा नायक वृद्धाश्रम में निवास करने वाले सभी वृद्धजनों को कथा का श्रवण कराया जा रहा है। इससे पूर्व मंगलाचरण विदुर उद्धव मनुकर्दन संवाद को पंडाल में मौजूद श्रोताओं ने सुना और भक्ति विभोर में श्रोता डूब गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के भजनों में पंडाल में मौजूद भक्त भक्ति के भाव में थिरकते नजर आए। भागवत कथा में वृद्धा आश्रम के बुजुर्गों ने भगवत कथा के अमृत वचनों को सुन भक्ति में डूबे नजर आए। भक्ति आई अकेले नहीं आई, भक्ति सुदौदो तरुणो गृहीत्वा अपने दोनों तरुण पुत्रों को लेकर कथा सुनने के लिए आई। सहसा विरासित आनंद मिला कर उस कथा का भाव उसने सुना, उस कथा का प्रसंग सुना, इतना आनंद आ गया कि उसी कथा में वो भगवान का नाम लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे अनुराधे नाथे की नामानि मोर वदन्ती बार बार भगवान का नाम लेकर के अपने पुत्रों के साथ उसी सभा में संकीर्तन करते हुए लीन हो गए। परमपिता परमेश्वर की कृपा से दिनांक 30 अप्रैल 2023 से भागवत कथा का आयोजन डन कॉलोनी कटनी में किया जा रहा है, जो कि आज गोवर्धन भगवान की कथा सुनाई जाएगी। आज पंचम दिन है। यहां पर वृद्धाश्रम दद्दा जी वृद्धाश्रम से और स्वर्गीय बच्चन नायक जी वृद्धाश्रम से यहां पर भक्तजनों को जो वहाँ लोग रहते हैं वृद्धजन उन्हें भागवत कथा सुनवाई जा रही है। ये लगभग यहाँ कटनी के सभी समस्त लोग यहाँ पर आकर के अपने गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। व्यासपीठ कहाँ से? व्यासपीठ है 1008 बद्री प्रपन्नाचार्य जी युवराज जी महाराज चित्रकूट धाम से पधारे हुए हैं, उन्हीं के कर कमलों द्वारा भागवत कथा संपन्न कराई जा रही है। कथा का समापन कब है? कथा का समापन दिनांक 6 मई को है और 7 अप्रैल को भंडारा और संजय बघेल जी का जागरण भी होगा। क्या नाम है? अमित शुक्ला, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कटनी।